अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो क्या चाल है आप सबको, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फ्रीयत से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप लोगों के पास Redmi Note 10 मोबाइल है या आप लोग लेने का सोच रहे हैं सेकंड हैंड, तो दोस्तों इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप कौन सी सेंसिटिविटी रखें तो इस मोबाइल में आपके हेडशॉट बहुत ही अच्छी तरह से लगेंगे। दोस्तों जिस तरह के आप लोग मेरे हेडशॉट देख सकते हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको कितनी सेंसिटिविटी हाई करनी चाहिए और कौन कौन सी सेटिंग करनी चाहिए, तो दोस्तों ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली ये मोबाइल, इस मोबाइल में दोस्तों स्नैपड्रैगन 678 का प्रोसेसर लगाया गया है जो कि गेमिंग प्रोसेसर है। और दोस्तों इस मोबाइल में ये जो प्रोसेसर लगाया गया है ये गेमिंग प्रोसेसर है और आपको गेम में किसी किस्म का कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, कोई लैग नहीं है, कोई सिग्नल प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, और भी किसी किस्म का कोई इशू नहीं है इस मोबाइल में। अगर आप इसमें फ्री फायर खेलते हैं और दोस्तों अगर आप लोग पबजी भी खेलते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा इस मोबाइल का। तो दोस्तों इसके अलावा इसमें 4GB रैम है दोस्तों और 128GB की स्टोरेज है, और स्टोरेज दोस्तों UFC 2.2 वाली स्टोरेज है जो जिसकी स्पीड काफ़ी तेज़ होती है दोस्तों। और दोस्तों इसके अलावा ये मोबाइल बहुत ही अच्छा है और आप इसको गेम के लिए कंसीडर कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात सेंसिटिविटी की, तो दोस्तों उसके लिए आपने अपनी गेम में आ जाना है। गेम में आने के बाद दोस्तों आपने ऊपर सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेकिन दोस्तों सिर्फ हेड मारने के लिए सिर्फ सेंसिटिविटी नहीं रखनी होती, इसके लिए आपको बहुत सी प्रैक्टिस की भी ज़रूरत होती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको सेंसिटिविटी बता देता हूँ। तो दोस्तों आपने सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में आ जाना है। सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन में आने के बाद दोस्तों आपने ये वाली सेंसिटिविटी रख लेनी है और दोस्तों स्नाइपर स्कोप को आप अपनी मर्जी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं 60 से 70 के दरमियान में रखता हूँ स्नाइपर स्कोप को, इससे दोस्तों बहुत अच्छी स्नाइपर यूज़ होती है। तो दोस्तों इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अल्लाह हाफिज़। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें।